भाटपाड़ा नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में उपस्थित जवाहर उद्यान पार्क में 3 दिसंबर के रोज ज्योति फाउंडेशन द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक कंपनियां मौजूद थीं। ज्योति फाउंडेशन की सचिव प्रियांकु पांडे ने मीडिया वालों से बात करते हुए बताया कि 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोग इस रोजगार मेले से फायदा उठाया, जिनकी तादाद 7,000 से भी अधिक थी। फ्यूचर में बहुत मतलब बेहतरीन मतलब ये होने वाला है, जो अभी का यहाँ के इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट बहुत सारे, इससे मतलब पता चल रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा तालीम की ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। हम बस इतना कहना चाहती हूँ मैं, ये कोशिश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर चीज़ को मतलब कि इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे इलाके में है कमी को ये पूरा कर रहे हैं। नौजवान है यहाँ पर सर, और आप देख सकते हैं पॉपुलेशन और वैकेंसी 7,000 है सर। कितना ज़रूरत था सर ऐसा रोजगार मेला का, और जो कि भाटपाड़ा में सर बहुत सारा संस्था है सर, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है सर, सेंट्रल लेवल पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है सर, लेकिन किसी के दिल में रोजगार सर ग्राउंड रूट से ना सर ऐसा अपॉर्चुनिटी सर पहली बार देखने को मिल रही है। फाउंडेशन ने जिस तरह ये पहल किया है, उस पहल पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ये किए हैं, जो भी ज्योति फाउंडेशन किए हैं बहुत अच्छा है। आइए और कुछ लोगों से थोड़ी सी बात करें। अच्छा किया है, और क्या कह सकते हैं, इसको पहले करता तो और अच्छा होता, मतलब जितने भी बेरोजगार हैं उनको सबको रोजगार मिल जाता। माने अभी से शुरुआत हुई है तो भी तो एक खुशी होनी चाहिए। खुशी तो बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे आज रोजगार मेला ज्योति फाउंडेशन ने जिस तरह से प्रकाश को घर घर पहुँचाने की कोशिश की है, क्या कहेंगे? देखिए ये तरह का मेला हमारे हिसाब से हर जगह होना चाहिए। जितने भी सोशल वर्कर हैं जो समाज में जुड़े हुए हैं अच्छे काम करने के लिए, ये सब काम ले सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि रोज़गार आजकल के बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर करके फिर भी इनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो कम से कम कहीं से भी जो भी रोज़गार मुहैया करवा सकते हैं ये लोग, ज्योति फाउंडेशन हो या और भी को जो लोग इस तरह से करना चाहते हैं, तो ये समाज के हक में है और ये होना चाहिए। काकीनाड़ा भाटपाड़ा जो ब्लैक लिस्टेड हो चुका था, प्रियंकु पांडे के दो महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो उसने किया, एक तो लाइब्रेरी और टीचर्स डे के मौके पर लगभग हम उस वक्त देखे 2 से 2,500 लोगों, और आज जो बेरोजगार मिला, आज जो है अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर के आज जो ये इन्होंने काम किया है, इससे काकीनाड़ा का नाम मैं समझता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ये पूरे बंगाल को ये एक वार्ता जाएगा, और इसके लिए यकीनन बिल्कुल युवा और ताज़ा नेता हैं प्रियंकु पांडे, उनको मैं बधाई देता हूँ। आज देखिए कितनी बड़ी तादाद में छात्र और छात्राएं अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे आए हैं, इससे आपको पता चलता होगा कि बंगाल में कितनी बेरोजगारी है। अगर सब रोज़गार से जुड़े होते तो आज ये दिन देखना नहीं, लेकिन एक आशा एक उम्मीद की किरण ये ज्योति फाउंडेशन, नाम उसने बड़ा प्यारा रखा कि ज्योति, उसकी पत्नी जो है ज्योति जो यहाँ की काउंसलर भी है, हम दोनों वाइफ हस्बैंड को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और काकीनाड़ा का नाम भाटपाड़ा का नाम प्रियंकु पांडे ने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे बंगाल में पेश किया, इसके लिए प्रियंकु पांडे और ज्योति को बहुत बहुत बधाई। क्या ये प्रियंकु जी आज जिस तरह से काकीनाड़ा को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही थी उस साजिश को नाकाम करती हुई नजर आ रही है ये ज्योति फाउंडेशन रोजगार मेले के द्वारा? मुझे नहीं पता कैसी साजिश है, कौन साजिश कर रहा है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि भाटपाड़ा के इतिहास को मैंने पढ़ा है, बैरकपुर के इतिहास को पढ़ा है। भाटपाड़ा एक समय ऐसा जगह था जहाँ पे लोग बड़े बड़े जो है पूरे भारतवर्ष के लोग विद्वान भी आकर के ज्ञान लेते थे, ये ज्ञान देने का केंद्र था, पंडितों का जगह था, विद्वानों का जगह था, जो जो समृद्ध बहुत ज़्यादा था। बैरकपुर की भूमि पूरे भारतवर्ष के लोगों को रोजगार देने का केंद्र हुआ करती थी। पूरे भारतवर्ष के लोग को जब रोजगार के विषय में सोचना होता था तो उनके मस्तिष्क में एक ही जगह आता था, वो हुगली नदी के किनारे उपस्थित स्थित बैरकपुर। तो बैरकपुर रोजगार का सृजन का केंद्र रहा है, उसी बैरकपुर उसी भाटपाड़ा में हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे अपने अंचल में पुनः उस विषय को हम लोग लाएँ, और शिल्प के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से विद्वानों के नगरी भाटपाड़ा को, पंडितों को ज्ञान के केंद्र में बदलने के लिए हम लोग जो है शिक्षा और रोजगार में काम कर रहे हैं। आज रोजगार मेला लगाया गया है, जिस रोजगार मेला में हम लोग लगभग 7,000 लोगों को
नौकरी देने का जो है कार्य कर रहे हैं। लगभग 7000 लोगों को हम लोग नौकरी देंगे, और किसी भी कारणवश से यदि किसी लोगों का नौकरी नहीं होता है तो उसको हम लोग आने वाले 30 दिन के अंदर में उनको जॉब अवश्य कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, उनके क्वालिफिकेशन के अनुसार हम लोग उनको जरूर प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने कल्पना किया और हम लोगों ने प्रतिबद्ध और संकल्प लेकर के आगे बढ़ा कि हम लोग ऐसे ही सोशल वर्क को करेंगे जिससे लोगों का जीवन सुरक्षित हो, जिससे लोगों का जीवन आने वाले दिन में सुखमय हो। इसलिए रोजगार ही सबसे बड़ा साधन है जिसको उपलब्ध करवाया जाए। हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी हमारे बंधु मित्र हैं एवं फाउंडेशन के हमारे जितने सदस्य हैं, सब लोगों ने विगत 3 महीनों से बहुत परिश्रम किया है। उस परिश्रम में पूर्ण रूप से जो हमारे सभी साथी हैं जिसने परिश्रम करके इतनी बड़ी रूपरेखा, लगभग 200 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव को एक प्रांगण में ला करके हम लोगों ने आज रोजगार मेला को करने का जो कार्य किया है, उसके लिए उन सभी को मैं हृदय से अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अच्छे आगे बढ़े, वो आगे बढ़े और मार्गदर्शन करते रहें। यदि उनके मस्तिष्क में भी कुछ आता है कि समाज के लिए कुछ अच्छा किया सकता है तो वो कैंडिडेट, वो बच्चे और वो बच्चियाँ हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सजेशन लेने के लिए तैयार हैं और वो लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़ करके आप जो है हमें भी हेल्प करें। वो जुड़ाव आपका श्रम से भी हो सकता है, मस्तिष्क से भी हो सकता है, तो आप मस्तिष्क से हमें हेल्प करें, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है।